सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लाईएयर। दोस्तों, मैं अभय आज के इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इंडिगो एयरलाइंस की जो लेटेस्ट वैकेंसीज हैं उनके बारे में, जो होंगी ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू के रिगार्डिंग। दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक आपको ये पता चल जाएगा कि वैकेंसी कहाँ की है, सैलरी क्या है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अप्लाई कैसे करें और बाद बाकी जानकारी। तो दोस्तों, ऐसे ही वेरी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और जॉब ढूंढने का मैं आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन रेकमेंड करता हूँ, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाइए, लिंक पर क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके जॉब ढूंढना चालू कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉक इन इंटरव्यू के बारे में, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं गुवाहाटी के लिए है। दोस्तों, 24th ऑफ अगस्त को गुवाहाटी में वॉक इन इंटरव्यू कनेक्ट होने वाले हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए। उसका टाइम, डेट और प्लेस आपको विजिबल है वीडियो के स्क्रीन पे। जो अगली वैकेंसी है वो है हैदराबाद के लिए 25th ऑफ अगस्त को, और ये है ग्राउंड स्टाफ के लिए। बात करें टाइम, डेट और प्लेस की, तो दोस्तों लेमन ट्री हैदराबाद में ये आपको वॉक इन इंटरव्यू कनेक्ट होने वाले हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खास वैकेंसी है दिल्ली के लिए, वॉक इन इंटरव्यू कनेक्ट होने वाले हैं 24th ऑफ अगस्त को। दोस्तों, दिल्ली की ये वैकेंसी आजकल छुप कर आ रही है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो CV, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी की सारी चीजें आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। इसके अलावा दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस में केबिन क्रू में दबाकर वैकेंसी आजकल चल रही है। अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, कंपनी के खर्चे पर देश विदेश घूमना चाहते हैं, तो केबिन क्रू की इस वैकेंसी को आप कतई मिस न करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, इंडिगो एयरलाइंस में केवल फीमेल कैबिन क्रू ही लिए जाते हैं, आप इसमें जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो नॉर्मल वैकेंसीज हैं ग्राउंड स्टाफ की, आप देख पा रहे हैं। इन सारी वैकेंसीज के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो दोस्तों आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। वीडियो के स्क्रीन पे पूरा स्क्रॉल हो रहा है, आप जिस लोकेशन, जिस एयरपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं या फिर ग्राउंड स्टाफ में अपना लक ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको इन सब वैकेंसीज में जरूर ट्राई करना चाहिए। कार्गो के रिगार्डिंग आप देख पा रहे हैं साउथ में ये वैकेंसी बहुत लंबे टाइम से रिफ्लेक्ट कर रही हैं, बहुत लंबे टाइम से दिखा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, चंडीगढ़ में कार्गो स्टाफ के लिए वैकेंसी है। मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं तो आप यहां पर देख पा रहे हैं चंडीगढ़ के लिए कार्गो के रिगार्डिंग वैकेंसी है इंडिगो एयरलाइंस में। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं या फिर एयरलाइन एयरपोर्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर बात करें ग्राउंड स्टाफ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप देख पा रहे हैं ये है ग्राउंड स्टाफ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। दोस्तों, बात करें अगर ग्राउंड स्टाफ की सैलरी के बारे में, तो दोस्तों मेट्रो सिटी यानी कि जैसे दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, मुंबई हुआ, इन सब पे अगर आप ज्वाइन करेंगे, यहां आप ज्वाइन करेंगे ऐसे बड़े सिटीज में, तो आपकी सैलरी अराउंड 23 प्लस हो सकती है। लेकिन अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में, फॉर एग्जांपल आप रांची ज्वाइन करते हैं, पटना ज्वाइन करते हैं, तो इन सब में यानी कि ये जो एयरपोर्ट है यहां पर आपकी सैलरी अराउंड 18,000 यानी 18,000 के आसपास हो सकती है। और अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपके पास एक वर्किंग यानी कि वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कहां के लिए अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि वैकेंसी को चूज कीजिए। उसके बाद आप रजिस्टर कीजिए उस ईमेल आईडी से। उसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी पर जाकर अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करने के बाद अपना पूरा डिटेल सही तरीके से फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद सबसे लास्ट में आपको उस फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक 6-डिजिट का कोड मिलेगा, उस कोड को आप अपने रिज्यूम पे लिखिए और आपको चले जाना है इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि अगर आप वॉक इन इंटरव्यू में जा रहे हैं तभी आप डायरेक्टली जा सकते हैं, नहीं तो अप्लाई करने के बाद आपको इन्विटेशन मेल के लिए वेट करना होता है। अगर आपके पास मेल आता है इंटरव्यू के लिए तभी आप जा सकते हैं। और अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन। दोस्तों, इंटरव्यू प्रिपरेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, आप इसको नोट कर लें। और मैंने ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका आंसर एक वीडियो के फॉर्म में बना चुका हूं और वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस के आंसर यानी कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो को देखें और बाद बाकी जानकारी के लिए राइट वाले वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।